मैं घर आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बाथरूम में मैं कैसे बैठूं। मैं ये रोटी देख के मुझे ऐसा लगता था ये, अरे यार ये कैसी रोटी है, मुझे वो सूखी रोटी की आदत हो गई थी। हम लोग तिले वाली दाल भी खा जाते थे, क्योंकि खाना तो है, कभी कभी दाल में चूहा निकल रहा है और ऐसा एक प्रिजनर लेके आ रहा है, चूहा निकला रे, और फिर हम उसका नाम रखते थे, आज नॉन वेजिटेरियन है, आज नॉन वेजिटेरियन दाल है, तो चूहे वाली दाल है। और दाल का एक और नाम रखा था हमने, पत्थर के सनम, क्योंकि दाल में इतना पत्थर निकलता था कि हम सब प्रिजनर लोग उसको निकालते थे और पत्थरों को जमा करते थे और फिर सुपरिटेंडेंट को देते थे कि सर इतनी दाल में पत्थर, अरे इतने पत्थर निकले, अरे भाई हम मर भी जाए किसी को क्या परवाह है, हम लोग तो प्रिजनर है ना, हम लोग तो जेल में है, पता नहीं हमने क्या कर दिया है, अभी तक अदालत ने तो कुछ प्रूव नहीं किया है, पर लोगों ने हमको बोल दिया है कि हम मुजरिम है, हम पता नहीं क्या है। नहीं, राज कुंद्रा काफी डिप्रेस हो गए थे और हालात काफी खराब थे, लेकिन उन्होंने भी फेस किया, कुछ 10-15 किलो उनका वज़न कम हो गया था, बहुत तकलीफ़ उन्होंने भी झेली, आर्यन ने भी बहुत तकलीफ़ झेली। तकलीफ़ की जगह है यार, वो जेल है, मैं कहता हूँ ऊपर दुश्मन को भी ऊपर वाला नहीं भेजे, वो जेल है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी फैमिली अकेली है, तुम अंदर क्या करो, मतलब 1000 सवाल तुम्हारे दिमाग में रोज़ आएंगे, उसके सवाल के जवाब तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड है ना स्टक हो गया, बिकॉज यू आर लॉक्ड। ज़मीन पे सोना है, एक चादर है, वहाँ पे खटमल चल रहे हैं, यहाँ मच्छर है, इतने सारे लोग हैं, रहना है तुम्हें, रहा मैं। लोग जज तो ऐसे ही कर देते हैं ना, अरे भाई तुम, अरे कभी किसी के अंदर झांक के देखा है लोगों ने कि किसी की जिंदगी में क्या तकलीफ चल रही है, वो क्या सफर कर रहा है। लोग आजकल सोशल मीडिया पे किसी को जज करना, अरे हमाम में सब नंगे है यार, ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया हो, अच्छे काम करो यार, डोंट जज पीपल, यू नो किसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या सफर कर रहा है, यू डोंट नो, तुम्हारी एक कमेंट से, तुम्हारी चार गाली से उसको पता नहीं क्या डिप्रेशन, अभी मेरे जैसे लोग आई डोंट केयर, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा रॉक बॉटम है, अभी मुझे इससे ज्यादा क्या गिराओगे यार, कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे, और मैं हमेशा उठ के आऊँगा, बिकॉज आई बिलीव इन अल्लाह ताला, आई बिलीव इन गॉड, आई एम अ फाइटर एंड आई हैव अ फैमिली टू फाइट, आई एम एन एक्टर, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी दिखता हूँ, कुछ काम वाम भी मिल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है, तो बस मुझे अभी जीना है। और यहाँ पे तो अब ऐसा है कि बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया, तो आई वांट टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माय करियर राइट नाउ। काम की दिशा में मैंने आपसे कहा, एक साउथ की फिल्म है, मैं बाद में बताऊंगा उस पर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, ताकि आप बाद में भी आ सको, मैं उस पर बाद में बात कर सकूँ, है ना। काम मिलेगा मुझे, कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो काम देंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी पसंद करेंगे, पसंद करने में क्या है, यू डोंट हैव ऑप्शन। इंसान को अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए, लोग क्या करते, जो है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं, आजकल यही चल रहा है, आप देख लीजिए, अपने गमों से लोग परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान है, आज समाज में माहौल ये चल रहा है। अरे अपने गमों को देखिए, अपने गमों को भी भूल जाइए, अपने आसपास खुशियां हैं, अपने मामी डैडी, अपने वाइफ बच्चे, अपने दोस्त जो तुमसे प्यार करता है, आदमी उसी के पास जाता है जो उसको धुक्कारता है, जो उसको झटका देता है, जो प्यार करता है उसको वो समझ नहीं पाता है, अरे उन्हीं को समझिए भाई, बाकी जाने दीजिए, अपना मेहनत करिए, काम करते रहिए, एक ना एक दिन आपका होना ही है, 100% होना है, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, उस पर आप काम करते जाइए,
और रही बात तकलीफों की, तो ये आना जाना लगा रहेगा, मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। मैं इसको एक पॉजिटिव में लेके इस पर एक वेब सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इस पर एक किताब लिखना चाह रहा हूँ अच्छे से, और लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हुआ क्या। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इन दो सालों में मेरे लिए रहा सर्वाइव करना, जिंदा रहना। सवाल जहर का नहीं है, जहर तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया, और मुझे जीना था और मैं जिया, क्योंकि मुझे अपने आप के लिए जीना तो ज़रूरी था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा एक बेटा है, मेरी बीवी है, मेरे वालिद साहब है, और मेरे कई चाहने वाले जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी दुआओं का असर है, और मेरी माँ जो वहाँ बैठी है वो भी मेरे लिए दुआएं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अंदर कुछ सीखने गया था और थोड़ा मजबूत होने गया था कि जब वक्त आए तो तुम किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हो, क्योंकि आदमी आया अकेला, उसको जाना अकेला है, बस कुछ जिम्मेदारियां उसको निभाना है, उसके लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी था, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक लग रहा हूँ ना? मुझसे मेरा अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, अल्लाह उसको उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो झेल सकता है। तो उनको पता था कि एजाज इतना झेल लेगा, 26 महीना एजाज झेल लेगा, बाकी और कोई नहीं झेल पाएगा बिना कुछ किए। एक दिन भी काटना बड़ा मुश्किल होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ उन्होंने मुझे भेजा था, या वो मेरे गुनाहों की सज़ा थी, या मेरी गिज़ा थी, या मेरे भले के लिए था। मैं अंदर गया, वो अल्लाह ताला ने इतना टाइम मुकर्रर रखा था, मैं वहाँ से आ गया। कुछ बदलाव आया आपने? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। सबसे पहले तो एक कामनेस आ गई है अंदर, एक यकीन ऊपर वाले पे। जब मेरी सुप्रीम में बेल, हर जगह बेल मेरी रिजेक्ट हो गई, लोगों ने कहा एजाज खान 5-10 साल नहीं छूटेगा, हम अंदर नमाज पढ़ रहे, सुबह में हमारा बेल है, ऐसे 350 लोग एक के ऊपर एक सोते हैं, नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती अंदर। हमारे दोस्त प्रार्थना कर रहे हमारे लिए, हमारे हिंदू दोस्त, 350 लोग जाग रहे हमारे लिए, नमाज पढ़ रहे, हम भी ताजुद का बिछा के नमाज, अंदर लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते, अंदर इंसान इंसान करते हैं, एक इंसान की मदद करता है अंदर। मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना यहाँ पे कर रहे, ऐसा मंदिर गली होती है, और ये मंदिर गली पूरी उन्होंने मेरे लिए चालू रखी, इधर मस्जिद गली, यहाँ पे मेरे लिए नमाज पढ़ रहे, और सबको पता था कि मेरी बेल होने वाली है। मैंने ताजुद की नमाज बिछाया और अल्लाह से ताजुद की नमाज में बोला, या अल्लाह मेरा वक्त हो गया तो मुझे घर भेज दे, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे, मेरे यार दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे, अगर तुम्हें लगता है कि हो गया हो तो भेज दो। और एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर, एक ठंडी सी सांस, पहली बार ऐसा मैंने फील किया वो 26 महीनों के अंदर, वो गर्माहट वो सब कुछ वो हट गया, और एक ठंडी सी ऐसी अंदर से, वो मैं आपको महसूस आप नहीं कर पाओगे, वो कि ऊपर वाला जब तुम्हें ऐसा फील करवाता है ना कि अब वाकई में तेरा कुछ होने वाला है, तो एक अंदर से ऐसी फीलिंग आई। और फिर मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ, और बैठे 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 मैं सो गया, और मुलाकात में मेरा नाम आता है, एजाज भाई आपकी मुलाकात आई है, और हमारी बीवी अल्लाह उसको 100 साल का करे, उसको हमेशा खुश रखे, दूसरी कंट्री की है, उसके बावजूद ऐसी लड़ी है हमारे लिए, क्योंकि उसको पता था हमने कुछ नहीं किया, हमारे वालिद साहब को पता था, हमारे फैंस को पता था, हम खुश थे। देखो तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते ना, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। वो मुलाकात में आई, हमने ऐसे खिड़की में देखा, हम भी एक्टर है यार, हम समझ गए कि अल्लाह ने हमें वो फीलिंग दे ही दी है। सामने खड़ी थी वो, तो हमारी मजाक उड़ा रही है।
बेल गॉट रिजेक्टेड. अरे मैं बोला एक्टिंग तेरे को आती नहीं है, बेल मेरी हो गई. और पूरी जेल में लोगों ने खुशियां मनाई और मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ. आपको ये लुक कैसा लगता है? कैसा लगा आपको? हाँ, डॉन वाली फीलिंग दे रहा है. चलो फिर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है ना. दो साल में एक्टिंग करियर में कैसे बदलाव आएंगे मैडम? आपके अंदर क्या बदलाव देखे आपने? अभी तो बताया यार, कामनेस आ गई. कुछ अच्छा सवाल तो कर यार. दो ढाई साल के बाद 26 महीने के बाद ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो. अच्छे सवाल तो करो यार. मैं ग्रो हुआ, तुम लोग भी तो थोड़ा ग्रो हो यार. नहीं, उसमें सब लिखूंगा, उसमें सब सब आएगा, आपको सब मिलेगा उसके अंदर. आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको बहुत मजा आएगी. जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैं अपनी माँ की कब्र पे गया, जो 26 महीनों से मैं नहीं जा पाया. और वहाँ जाके मैंने दुआ की और मेरी माँ के गले लग के थोड़ा सा रोया. और उसके बाद घर गया और फैमिली के साथ अपना वक्त बिताया. सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास गया. मैं लोगों से यही कहूँगा कि माँ बाप की इज्जत करो, उनको वक्त दो. ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है. माँ जन्नत की सीढ़ी है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, वो चाबी है. मेरे यारों, माँ बाप की इज्जत करो. जो तुमसे प्यार करता है उनकी इज्जत करो. ज़िंदगी तुम्हारी बहुत सही हो जाएगी यार, बहुत सही हो जाएगी. थैंक यू सो मच. बड़े बाल संभालना बड़ा मुश्किल रहता है मेरे भाई. लड़कियां पता नहीं कैसे संभाल लेती है यार. रॉकी भाई, अरे रॉकी वो है भाई, हम और से सोचेगा तो ये भी बहुत बड़ा नाम है. छोड़ दो, सोचना इसको. लड्डू कौन खाएगा मेरे हाथ से पहले? मैडम पहले मैडम अरे दुखा बीमा ले लीजिए भाई. लोग आइए सब. भाई लड्डू खाओ. दो भाई लोग प्लीज मैडम आप भी लीजिए ना. चलो थैंक यू. एक मिनट इधर तो बाहर आ जाओ. चलो थैंक यू.